नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए मार्केट के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जो कि अगले पूरे हफ्ते बाजार को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से बाजार लाइफ टाइम हाई के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है और नए ट्रिगर्स और नए लेवल्स की तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो क्या बैंक निफ्टी अब 40,000 के आंकड़े को टच करता हुआ दिखाई देगा, ये देखना होगा अगले हफ्ते। सबसे पहले अगर हम ट्रिगर की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा वो है क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि अगले हफ्ते फिर से आने वाले हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, और साथ साथ जो निफ्टी से रिलेटेड और निफ्टी के बाहर की भी जो कंपनियां उनके। तो निफ्टी 50 के कंपनियों की अगर हम बात करते तो अल्ट्राटेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, एशियन पेंट, JSW स्टील, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिलायंस इंडस्ट्री और ICICI बैंक के जो नतीजे है वो इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि अगले हफ्ते मार्केट को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी के बाहर की, तो भी ICICI लोम्बार्ड, IDBI बैंक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IIFL सिक्योरिटीज, इंडियन होटल्स, इंडिया मार्ट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, लैंड फार्मा और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी, जिसका सीधा साधा इम्पैक्ट जो है आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो अगला हफ्ता बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड, और अक्टूबर का पूरा महीना यानी कि ये एक्सपायरी वीकली और इसके बाद जो मंथली एक्सपायरी होगी 28 अक्टूबर के आसपास की, तो वहां तक आपको एक अच्छा खासा जो एक्शन है मार्केट में देखने को मिल सकता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरी दुनिया में चलती हुई दिख रही है वो US की बॉन्ड यील्ड्स है, जो कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार तेजी में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप वीकली चार्ट्स देख सकते हैं, लगभग 2019 के आसपास 2018 के एंड में ये लगभग टॉप आउट हुआ था, उसके बाद से एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली और पिछले साल मार्च में बॉटम आउट होने के बाद एक रिवर्सल आया था और उसके बाद एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद फिर से ये जो बॉन्ड यील्ड्स है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब इन फ्यूचर जो है इंटरेस्ट रेट वो US में और पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो सिलसिले वो चालू हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि अगर यहाँ पे ये 1.7 1.8 के आंकड़े को अगर ये बॉन्ड यील्ड पार करती है तो कहीं ना कहीं फिर कुछ मुसीबत का जो नंबर है वो आता हुआ दिख सकता है। हालांकि बाजार इन सारी चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन छोटे मोटे करेक्शन का ये कारण जो है वो जरूर बन सकता है अगर इन फ्यूचर यहाँ पे बॉन्ड यील्ड थोड़ा ऊपर आता हुआ दिखाई दे और मार्केट अगर अपने पीक के आसपास होंगे तो वहाँ पे ये जो होगा वो एक छोटा मोटा करेक्शन का कारण जरूर बन सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपकी नजर जो है वो होती हुई दिखाई देनी चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो कमोडिटी प्राइस और साथ ही साथ रुपए की जो एक्टिविटी है वो भी मार्केट के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से हमने देखा कमोडिटी प्राइस में नेचुरल गैस, कोल, क्रूड ऑयल और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल मेटल्स जितने भी हैं वो अपने फ्रेश मल्टी ईयर हाइस के आसपास जाके ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सप्लाई कंसर्न और साथ साथ जिस तरीके से पूरी दुनिया में डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, उसका बहुत ही शानदार इफेक्ट जो है कमोडिटी के प्राइस पर पड़ता हुआ दिख रहा है और बहुत ही लाइफ टाइम हाई के आसपास ये सारे कमोडिटीज़ जो है वो ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो अक्टूबर 2018 के बाद फ्रेश हाई लगता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट $85 पर बैरल के आंकड़े को पार करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जो है पूरी दुनिया भर में वो बढ़ती हुई दिख रही है। जिस तरीके से कोरोना के केसेस में अब धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, तो जो पूरी दुनिया में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थे वो भी अब ईज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो डिमांड जो है तेल की, ऑयल की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसका सीधा साधा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे ब्रेंट क्रूड के प्राइस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर वही बात करें इंडियन इकोनॉमी के लिए तो रुपया जो है वो लगातार वीक होता हुआ जा रहा है, 75 के ऊपर जो है रुपया का भाव निकल चुका है कहीं ना कहीं, जो एक थोड़ा कंसर्न वाला लेवल है। हालांकि उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो जुलाई 2020 के बाद रुपया अपने लोएस्ट लेवल 75 रुपीज़ 46 पैसा पर डॉलर का जो लोएस्ट लेवल था वो यहाँ पे छूता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दी, सेटल हुआ 75 रुपये के आसपास का। तो कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा रहता है और मान के चलते कि अगर डॉलर लगातार मजबूत होगा तो रुपया फिर आपको 76-77 के आसपास इन फ्यूचर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि RBI ने यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो अब देखना होगा किस तरीके से रुपया जो है वो कहीं ना कहीं रह सकता है। रुपया स्टेबल है, 74-76 ये लेवल होगा जिसके बीच रुपया जो है अगले कुछ महीनों के लिए ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो व्यू होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले 3-4 हफ्तों से 38,000 के आसपास जाने के बाद एक करेक्शन जो था वो कहीं ना कहीं बार बार आता हुआ दिखाई दिया और लास्ट वीक लास्ट थर्सडे की अगर हम बात करें बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट
कैंडल जो है बनती हुई दिखाई दी। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें 39,300 के आसपास जो है बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं अब 40,000 प्लस के जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको अगले हफ्ते दिखाई देता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर मार्केट के मोमेंटम इसी तरीके से चल रहे हैं तो आपको यहां से 40,000 का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया वो शानदार है। निफ्टी ने बहुत पहले ब्रेकआउट दिया था अपने लगभग जनवरी फरवरी के लेवल को, निफ्टी ने कई दिनों पहले तोड़ दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत लंबे समय के बाद सितंबर अक्टूबर के लेवल पे जाके ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से तेजी होती है तो कहीं ना कहीं जो अंडर ओन सेक्टर है या यहाँ पे जिस तरीके की तेजी निफ्टी में आई है अदर सेक्टर में, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर हम इसको और डीप में समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन डेटा जो है वो आपको यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। 39,500 का जो लेवल है आपका ऑप्शन में कॉल का, अगर वहाँ देखते हैं आप तो लगभग 30,500 कॉन्ट्रैक्ट जो है ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको थर्सडे के दिन जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो अगर ये लेवल पार होता है तो यहाँ पे इन लोग कटने के लिए आएंगे, बुरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग होगी। और आखिरी उम्मीद जो है लोगों की वो है 40,000, यहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट पोजीशन अगले हफ्ते के लिए बना है। लगभग 33,000 लॉट्स के जो पोजीशन है वो यहाँ बने और ऑलमोस्ट 24,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परसों के दिन यानी थर्सडे के दिन यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। अगर 40,000 39,500 से 40,000 का लेवल पार हो जाता है तो फिर यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, उसका मार्केट में एक अच्छा खासा जो रिकवरी का फेज है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी। और साथ ही साथ यहाँ अगर हम बात करें पुट राइटर्स की तो पुट राइटिंग भी अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 39,000 के लेवल में अगर देखें तो 27,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 25,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो आपको सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के सेशन पे ही जुड़ते हुए दिखाई दिए, तो जो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि मार्केट में किस तरीके से बुलिश मोमेंटम लगातार बना हुआ है। तो पुट राइटर्स जो है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उनकी प्रीमियम लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। उनको जितनी भी उन्होंने शॉर्ट पोजिशन बनाई है यहाँ पे पुट राइट कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर्स के लिए यहां पे थोड़ी मुश्किल होती हुई दिख रही है। तो मार्केट में 39,000 एज अ सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई डिप आती है, कोई करेक्शन आता है तो डेफिनेटली फिर उस लेवल पे आपको एक बाइंग इमर्ज होती हुई निचले लेवल पे दिखाई दे सकती है। आगे अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक के क्वार्टर टू के नतीजे जो हैं अभी आपके आते हुए दिखाई दिए। बैंक ने शानदार नतीजे पेश किए, 8,834 करोड़ का जो सितंबर में क्वार्टर टू का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करते पिछले साल से तो 17.6% आपको यहां पे इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले, जो कि एक अच्छा नंबर कहा जा सकता है। नेट इंटरेस्ट इनकम की भी अगर हम बात करते हैं तो 12% बढ़ती हुई दिखाई दी, 17,684 करोड़ यहाँ का आता हुआ दिखाई दिया है। वो भी यहाँ पे हेल्दी लोन ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। एडवांसेस की बात करें तो ये भी लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया Q2 FY 2022 में। डिपॉजिट जो है 14 लाख करोड़ के पार निकलते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको 14% की जो बढ़त है वो आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी अच्छी खासी डिपॉजिट में बढ़त होती हुई दिखाई दी है। प्रोविजन्स के आंकड़े अगर हम देख रहे हैं तो 3,924 करोड़ का आंकड़ा जो है सेप्टेम्बर क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दिया है। और इस क्वार्टर की अगर प्रोविजनिंग की बात करें ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ के आसपास 6% की साल दर साल यहाँ पे प्रोविजनिंग में बढ़त देखने मिली है। लेकिन अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पे देखते हैं तो 18.8% की डिक्लाइन देखने मिली, जो कि एक अच्छी चीज़ मानी जा सकती है। एनपीए के टर्म में भी यहाँ पे थोड़ी राहत आती हुई दिखाई दी है, 1.35% का ग्रॉस एनपीए आता हुआ दिखाई दिया सितंबर क्वार्टर में, जो कि पिछले जून क्वार्टर में 1.47% था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट जो है ग्रॉस एनपीए में आती हुई दिखाई दी, जो एक राहत की खबर है। नेट एनपीए भी 0.4% पे आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.48% था। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने मिल रही है। तो अब देखना होगा किस तरीके से स्टॉक जो है मंडे को ओपन होते साथ रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। 1700 के ऊपर जाके क्या स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर यहां पे और अच्छी शानदार तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी को ड्राइव करता हुआ HDFC बैंक जो है आपको मंडे के दिन दिखाई दे सकता है। तो देखना होगा किस तरीके से HDFC बैंक कल के दिन यहां पे रिएक्ट करेगा। लेकिन लास्ट में अगर हम बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल व्यूज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी लगातार बुलिश है। 18,300-18,350 के आसपास यहाँ पे निफ्टी आता हुआ दिखाई दे, तो क्या कल 18,500 के ऊपर जाके निफ्टी टिकता हुआ दिखाई देगा, इसकी अगर हम बात करें
तो 18,500 का जो कॉल है वहां आप देख सकते हैं, अगले हफ्ते की अगर पोजीशन देख रहे हैं 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बने हुए हैं यहाँ पे, और 24,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में कल के दिन नए जुड़ते हुए दिखाई दिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम कर सकता है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल कटता है तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ 17,900 18,000 के लेवल क्रॉस हुए उसके बाद एक तरफा तेजी जो है वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे 18,500 18,600 एक अच्छा जोन हो सकता है जहां पे निफ्टी एक बार जाके कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा नहीं जा सकता कि ये यहीं रुकेगा, या हो सकता है आपको एक बार 19,000 तक के भी लेवल जो है आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस मोमेंटम में भी बाजार है तो अगर कोई यूफोरिया जैसा तेजी आने की अगर कोई बात होती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी जो है मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो आपको कॉल राइटर्स जो है बुरी तरीके से करते हुए दिखाई देंगे, शॉर्ट कवरिंग लगातार होगी, वो जो भी लेवल पे शॉर्ट करते जाएंगे कॉल्स को उनको वहां पे ऊपरी भाव पे उनको काटने की मुश्किल आती जाएगी। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स के लिए मुश्किल होगी अगर 18,500 18,600 का लेवल निकल जाता है तो, और खासकर नीचे के जो कॉल राइटर जिन्होंने अपनी पोजीशन बना के रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं 18,300 के कॉल में अभी भी 28,000 29,000 कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन बनी है, ऑलमोस्ट 15,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है थर्सडे के दिन यहाँ नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो अगर कल ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये पहले फंसते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो 18,300 के पुट पे भी आप देखेंगे 31,791 कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट राइटर्स नए जुड़ते हुए दिखाई दे, और हैवी पुट राइटिंग जो है 18,300 के लेवल पे तो जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करती हुई दिखाई देगी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट आपको लगभग 33,396 ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हुए हैं। वहीं अगर 18,200 के लेवल पे भी बात करते हैं तो 33,900 कॉन्ट्रैक्ट लगभग यहाँ पे आपके बने हुए, और 25,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके थर्सडे के दिन नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो 18,300 18,200 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो है निफ्टी को मिलता हुआ देख सकते हैं। अगर कोई डिप आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं 18,300 18,200 के लेवल पे, वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा, जिस तरीके से पुट राइटिंग यहाँ पे आपको होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो कल की रेंज अगर हम बात करके चल रहे हैं तो 18,200 से 18,500 के आसपास आपको देखने मिल सकती है, और अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो अगले हफ्ते में हो सकता है आपको एक बार 18,600 18,700 तक के भी लेवल अगर आपको निफ्टी दिखा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो देखना ये होगा कि अगले हफ्ते बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है और किस तरीके से जो मार्केट है वो आपको प्ले करता हुआ दिखाई देता है। अगर नतीजे कंपनियों के इसी तरीके से अच्छे आते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्केट में नए हाई और भी आपको देखने को मिलेंगे, और हो सकता है दिवाली से पहले आपको कोई एक अच्छे जादुई लेवल भी अगर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिंगर क्रॉस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।